छतरपुर में वेतन समझौता के साथ कई मांगों को लेकर विभिन्न बैंकों के कर्मचारी दो दिन हड़ताल पर रहे, जिससे लोगों के काम प्रभावित रहे हैं। लोगों में उदासीनता देखी गई है। बैंकों की हड़ताल के कारण लोगों का आदान प्रदान में बहुत दिक्कत आई है। बैंक कर्मचारी यूनियन के जिला इकाई अध्यक्ष श्री विवेक रावत और सहयोगी प्रकाश तिवारी ने कहा कि अगर हमारी मांगे शासन पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अभी हमारे रावत जी ने बताया कि हम वेतन समझौते के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा हम लगातार 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग कर रहे हैं और हमारे जो पेंशन है उसमें अब तक रिवीजन अद्यतीकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हमारी परिवार पेंशन है उसके अलावा जो NPS है उसको हम चाहते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। फिर ये कुछ हमारी प्रमुख मांगे हैं। हमने जब वेतन समझौते के लिए इनसे वार्ता प्रारंभ की थी तो इन्होंने मात्र हमको 2% वृद्धि का आश्वासन दिया था, जो हमारे लिए जो एक बड़ा अपमानजनक आश्वासन था। इसके कारण हमारे बीच में हमारे साथियों में असंतोष फैला और ये वार्ता इतनी लंबी खिंची कि आज 27 मई से ये समझौता नहीं हो पाया है। यद्यपि वो सब 2% को बढ़ाकर अब 12.25 तक ले आए हैं, लेकिन चूँकि पिछला समझौता हमारा 15% पे हुआ था तो हम इससे कम पर, हमारी मांग है कि हम इससे कम पर समझौता नहीं करेंगे। ये आज की हड़ताल किस विषय को लेकर की गई है? आज की हड़ताल आज और कल भी 25 जनवरी को हड़ताल रही है। UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हम सारे PSBU बैंक के अधिकारी और कर्मचारी पूरे भारत देश में लगभग 10 लाख लोग स्ट्राइक पे हैं। हमारी मुख्य मांग 1 नवंबर 2017 से हमारा वेतन वृद्धि समझौता जो लंबित है, ये वेतन वृद्धि समझौता IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा लगभग 27 मई से हमारा वेतन समझौता नहीं किया जा रहा है, ना उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब वहाँ से आ रहा है। इसी पे लेके हमारी आज की जो स्ट्राइक है और अगला जो कार्यक्रम हमारा रहेगा 11 मार्च 12 मार्च और 13 मार्च को हम 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। तब भी IBA और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हमारी मांगें पूर्ति नहीं की जाती हैं तो 1 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।